न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहां पे काम आता है और ये लॉ है क्या, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है, पहली बात तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब इसके अंदर एग्जाम्पल में बॉडी का टेम्परेचर डाउन ही होगा, अप नहीं होगा, तभी तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, ठंडा होने के ऊपर है। ये कहाँ काम आता है, ये लॉ ये बताता है कि अगर कोई बॉडी है जिसका हाई टेम्परेचर है, ठीक टेम्परेचर, मानो चाय का कप है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो चाय का कप अपने अंदर से हीट को निकाल लेगा और सराउंडिंग में देगा, हीट सराउंडिंग में जाएगी और चाय का कप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देयर इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, टाइम के साथ हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो न्यूटन ने के लॉ ने कहा कि टाइम के साथ हीट लूज हो रही है और टाइम के साथ जो हीट लॉस हो रहा है वो डिपेंड करता है बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस पे। अगर चाय का कप सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस पे है, सराउंडिंग भी 40 पे है, तो कोई हीट लॉस नहीं होने वाला क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, जीरो है। लेकिन अगर चाय का कप 80 पे है और बाहर -5 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंड है, तो फटाफट हीट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर चाय का कप मान लो 60 डिग्री पे है, बाहर का टेम्परेचर 40 है, तो टाइम लेगा ठंडी होने में। तो यानी कि जहां टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का डाउन आना और कितनी देर में डाउन आना, समय के साथ रिलेशन है, वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बताता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये बताता है स्टेटमेंट में, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब दो निकलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट की बात हो रही है, तो अंडरलाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट की बात हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट का मतलब एक गर्म बॉडी क्या करेगी, अपने अंदर से हीट को रिलीज करेगी, टाइम के साथ रिलीज करेगी। तो कितनी रिलीज करेगी, डी क्यू मान लो हीट रिलीज कर रही है इन टाइम डी टी, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है, डी क्यू बाई डी टी। ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड दी सराउंडिंग। तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी का क्या टेम्परेचर है और उसके सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है। तो मैथमेटिकली अगर बॉडी का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ठीक है यहां तक, तो दैट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को कैसे लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी के आगे साइन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हीट गेन तो होने वाली है नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस से बॉडी ने ठंडा ही होना है, तो रेट ऑफ लॉस, लॉस के लिए साइन क्या है, माइनस। जैसे हम वेलोसिटी जब कहते हैं इंक्रीज हो रही है, डीवी बाई डी टी एक्सलेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो डीवी बाई डी टी नेगेटिव। तो क्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव रेट, क्यू डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव रेट। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्लियर है। एंड यहां पर एक कॉन्स्टेंट लगेगा के। अब सिर्फ यही रूल नहीं चलता, न्यूटन ने कहा कि जो चीज ठंडी हो रही है उसकी नेचर पे भी बहुत कुछ मैटर करता है। किसी की नेचर ज्यादा हीट लीज करने की है और किसी की नेचर कम हीट लीज करने की है। तो ऐसे केस में क्या है, के का मतलब है कॉन्स्टेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन एरिया पे भी डिपेंड करता है, उस बॉडी का क्या एरिया है और नेचर ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है। तो के किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया एंड नेचर। तो फॉर अ गिवन के, यानी कि फॉर अ गिवन एरिया एंड नेचर, चेंज ना करें तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस वैलिड है। तो ये रिजल्ट क्लियर है यहां तक, इक्वेशन नंबर वन। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर देखो मेरे पास जिस बॉडी को ठंडा करना है ना उसका मास है m, उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट है c और बॉडी का टेम्परेचर t है। अगर बॉडी का टेम्परेचर dT डाउन हो जाता है, dT डाउन हो गया तो उसमें से हीट निकल गई तभी डाउन हुआ, तो कितनी हीट निकली मैंने पूछा, तो उसने कहा मैं निकाल सकता हूं q इज इक्वल टू mc डेल्टा t। तो डी की अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट हो गई, लूज हो रही है ये हीट, कैसे, एम सी डेल्टा टी की जगह डी टी। तो डी टी टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो डी की अमाउंट ऑफ हीट लूज हो जाती है, तो ये फॉर्मूला भी वैलिड है। अब यहां पे काम करते हैं, रेट निकालने के लिए स्मॉल डी टी से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देते हैं। तो डी टी से जब डिवाइड करेंगे
तो क्या आ गया dQ/dt। तो dQ/dt का फॉर्मूला हमने कैसे निकाल लिया, mC/dt। dT/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। dQ/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। तो dQ/dt की ये वैल्यू उठाओ और उसको यहां पुट कर दो इसकी जगह। तो इस पूरी टर्म को उठा के यहां पुट करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है। तो ये टर्म आ गई, यहां से dT/dt एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। एक गिवन किसी भी मैटर के लिए के तो वैसे ही कांस्टेंट था, उसका मास भी कांस्टेंट है, उसकी स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट के आ गया। तो आपके पास क्या रूल बन गया, dT/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जबकि न्यूटन के लॉ ने क्या दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। लॉ तो स्टार्ट हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट से, पर हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। उसको यूज करके, मॉडिफाई करके, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इसके इक्वल है। फॉर्मूला बुक में सबसे पहले एक काम करो, इसको इसको लिखो फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला है आपका, कैसे यूज करना है अभी दिखाऊंगा। तो पहले ये फॉर्मूला लिख लो, मैं ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ नहीं दे रहा हूं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को मॉडिफाई कर रहा हूं, उसका मैथमेटिकल वर्जन दे रहा हूं कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मैथमेटिकली क्या समझाता है, ये बता रहा हूं। तो क्लियर है ये रूल, क्लियर है इसको यूज कैसे करने बताता हूं। अभी खत्म नहीं हुआ, और मॉडिफाई कर लेते हैं, ऐसे यहां तक भी ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं इसके अंदर। ये बताओ dT/dt क्या है, उस बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हीट लूज करने से टेम्परेचर चेंज होगा। तो dT टेम्परेचर चेंज हुआ स्मॉल dT टाइम में, किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी का टेम्परेचर क्या है, टी, क्योंकि जब टी का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर, जब वो हीट को लूज कर रही होगी तो बॉडी का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा होगा, डाउन। तो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर है, और टी नॉट का मतलब है टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट या सराउंडिंग है, ये तो कांस्टेंट होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो किसी ने कहा कि सर इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर की वैल्यू निकालो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो इंटीग्रेशन कर लो ये लो, टेम्परेचर वाली टर्म्स को एक तरफ, माइनस के dT को एक तरफ, इनको करो इंटीग्रेट, क्योंकि टेम्परेचर एकदम तो चेंज होगा नहीं, 80 से अगर मान लो 70 हो रहा है तो 80, 79, 78 धीरे 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 डिक्रीज होगा, तो इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करते हुए या तो लिमिट्स लगाई जाती हैं, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, या अगर आपने लिमिट्स नहीं लगानी तो साथ में कांस्टेंट मेंशन कर दिया जाता है, या तो लिमिट्स लगा लो या कांस्टेंट रख लो। तो मैंने लिमिट्स नहीं लगाई तो मैंने कांस्टेंट रख लिया। तो यहाँ पे 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या करवाई थी, लॉग एक्स। 1/t - t0 की इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ t - t0 to the base e। ये क्या आ गया, -kt, और कांस्टेंट क्या आ गया, c। लॉग जब राइट साइड पे जाएगा, मैथ्स का रूल है, मैथ्स में सिखाया जाता है ये, जैसे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y, लॉग जब राइट साइड पे जाएगा तो रूल है जो बेस होता है लॉग का वो यहां रखो, और ये जो टर्म है वो बेस के ऊपर रख दो, ये आंसर है। तो ये मेडिकल वालों के लिए बता रहा हूं, नॉन मेडिकल वालों के लिए अगर नहीं करवाया तो लॉग को राइट साइड पे लेके जाना है, तो x तो निकालना है, e जो बेस है वो यहां रख के उसकी पावर e कर देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल log(10x)=5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 नहीं, x की वैल्यू क्या आएगी, 10^5। 10 बेस किधर आ गया और 5 उसके ऊपर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो ये टर्म आ गई, अब देखो यहां से लॉग हटाएं, लॉग जब हटेगा तो ये टर्म एज इट इज, और ई जो बेस है वो यहां पे आएगा और ई के ऊपर ये पूरी की पूरी टर्म आ गई। तो इसमें टी नॉट राइट साइड पे चला गया तो ये टर्म आ गई, ई की पावर ये ऐड हो रही है, इसको दो बार लिख सकते हैं, ई की पावर सी इंटू ई की पावर -kt, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब ये कॉन्स्टेंट, तो एक नया कॉन्स्टेंट आ गया सी, नया कॉन्स्टेंट सी आ गया। तो ये क्या आ गया, ये किसी भी इंस्टेंट पर मैंने क्या बता दिया, बॉडी का क्या आ गया, टेम्परेचर। तो मैंने क्या निकाल दिया, बॉडी का टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। अगर आप मुझे ये कहो कि 7 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मैं यहां 7 मिनट पुट करके टी निकाल सकता हूं, 8वें मिनट पे क्या होगा, टी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैथ्स की हेल्प से हम बॉडी का टेम्परेचर किसी भी इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं। वो अलग बात है इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते, कैसे आते हैं बताता हूं, थ्योरी में पूरा बता रखा है कि ऐसे यूज कर सकते हैं।
अब इसके अंदर अगर मैं टी को और टी नॉट को एक तरफ रखूं तो मेरे पास ये टर्म आएगी, तो बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर को लिखते हैं डेल्टा टी, तो चेंज इन टेम्परेचर की ये वैल्यू आएगी। तो ये मेरे पास क्या आएगा, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इसके इक्वल आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर इसके प्रोपोर्शनल है। मैथ्स वालों को प्लस टू में सिखाएंगे, मेडिकल को तो सीखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो याद ही कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनते हैं ये मैथ्स के लोग सिखाते हैं। अगर मैं डेल्टा टी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, डेल्टा टी और टाइम का, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ये ग्राफ है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क करने को आएगा, आपको ये थ्योरी नहीं आएगी, सीधा मार्क करने को आएगा कि करेक्ट ऑप्शन मार्क करो। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में अगर कोई बॉडी ठंडी हो रही है तो डेल्टा टी का और स्मॉल टी का क्या रिलेशन है, तो ये ग्राफ आपने मार्क करना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहली चीज। तो ग्राफ समझ में आ रहा है, याद ही करना है इसमें फिलहाल। मैथ्स वालों को तो फिर भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ सिखाएंगे, उनको पता लग जाता है ये। दूसरा ग्राफ है ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट, मतलब लॉग ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम का। तो ये अगर आप जरा इस इक्वेशन को देखें, ये वाली इक्वेशन जो हम प्रूफ, ये वाली, ये अगर मुझे ग्राफ इसमें और इसमें बनाना है तो मैथ वाले लोग देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन बनेगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये क्या बनेगी, इसकी स्लोप, क्योंकि ये वाई एक्सिस में लूंगा टर्म, ये एक्स एक्सिस में चली जाएगी और ये क्या जाएगी, इसकी माइनस के स्लोप, और नेगेटिव स्लोप है। तो दूसरा ग्राफ याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट एंड टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन कर्व है और स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। सीधा ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेगा सीधा मार्क करना है इसमें। क्लियर है यहां तक? तो दूसरा रूल भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो अब अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी की, कि भाई स्कूल में आ गया जी, मैंने क्या लिखना है इसमें, तो सबसे पहले आपने लिखनी, और तीन नंबर में आ गया तो सबसे पहले आपने लिखनी है इसकी स्टेटमेंट, फिर आपने स्टेटमेंट के साथ आपने ये लिखना है, इसका प्रूफ तो नहीं कहूंगा, मैथमेटिकल वर्जन है इसका। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये एमसी डेल्टा टी लगा के मॉडिफाई करके यहां तक तो करना ही करना है। फिर उसके बाद तीन नंबर में है तो आप इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके यहां तक कराना। और जो दो ग्राफ्स हैं वो तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो एक एक नंबर में आएंगे, तो फिर वो तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो पूरा लिखना है। ठीक हो गया यहां तक, लिख लेंगे यहां तक। तो नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। देखो इसके न्यूमेरिकल के लिए आपको एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आने वाली है जो मैं ये भी करवा रहा हूं, देखो क्या है इसको समझते हैं।